आप लोगों का सहयोग है ऑनलाइन वीडियो शेयर करना, आपको फेसबुक से लेके व्हाट्सएप स्टेटस या व्हाट्सएप ग्रुप्स पे मिल रहा है, चाहे आपको ये इंस्टाग्राम पे मिल रहा है, यूट्यूब पे मिल रहा है, आगे ज़रूर भेजो। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियां बचाने में आप सीधा सहयोग कर रहे हो। बहुत सारी बहनें हैं, बहुत सारे भाई हैं, अलग अलग स्टेट्स में हैं, वो चार दीवारी और पंखे देखते हुए बड़े डिप्रेशन में मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। उनको उस मौत के डिप्रेशन से आप लोग निकाल सकते हो। आपका हर वीडियो शेयर किया हुआ ना एक ज़िंदगी बचा भी रहा है और बदल भी रहा है। तो आप अपनी ऑनलाइन सेवा ज़रूर निभाते रहिएगा। मुश्ताक कहाँ से आए हो आप? कश्मीर से। अब करते रहो। आलू छील रहे हो? हाँ जी जी। कितने दिन हो गए आपको? मेरे को 40 दिन हो गए। 40 दिन? हाँ, 8 फरवरी को आया था मैं घर से। कितने बेड शोर थे जब आए थे? बिल्कुल 4 बेड शोर थे। और 4 साल से थे? हाँ, 4 साल से थे मेरे को बेड शोर। जब मेरे को इंजरी हो गई थी उसके बाद 3 महीने के बाद बेड शोर हो गई थी। अच्छा, तो फिर मैं वो जम्मू में भी आया, श्रीनगर में भी गया, अनंतनाग में भी गया। हाँ, और सोबरा में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उधर भी गया। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप घर में चले जाओ, आपका 10 दिन निकलेगा, तो 10 दिन के बाद आप चले जाएंगे, दुनिया से चले जाएंगे। अच्छा, डॉक्टर ने कहा दुनिया से चले जाओ? दुनिया से चले जाएंगे डॉक्टर ने बोला। तो फिर मैं घर में आया, दिल टूट गया। दिल टूट गया उस टाइम, बहुत दिल टूट गया। अच्छा, छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा जब घर में आया। बच्चों को देख के फिर क्या मन में क्या आया था जब बच्चों को देखा था? मन में बस यही रो रहा था देख देख कर, 10 दिन आगे नज़दीक आ, अगर मैं चले जाऊँगा मेरे बच्चों का क्या होगा, उनका क्या बनेगा। तो फिर मैं ऐसे ही पड़ा रहा। फिर बीवी ने उससे मांस निकाला, जो गंदे वाले मांस था। हाँ। फिर वो निकाला, फिर 4 साल से मैं पड़ा रहा। फिर दिलदार साहब ने बोला मेरे को, 4 साल पड़े रहे? 4 साल पड़े रहे वैसे ही बेड सोल में। फिर दिलदार साहब से रब्ता हुआ, उसने बोला कि आप चंडीगढ़ चले जाओ। खैर उन्होंने भेजा मेरे को चंडीगढ़। तो आज मेरे को, मैं 8 फरवरी को आया, आज 40 दिन हो गए मेरे को। तो मेरा बेड सोल ठीक हो गया। अच्छा, ये 100% ठीक हो गया? 100%। अब कोई पट्टी नहीं होती? नहीं, पट्टी 2 पर होती है, तो 2 पर नहीं होती है, कम नहीं होती है 2 पर। अब आगे क्या उम्मीद है? बस पहले तो यही सोच रहा था कि मर जाऊँ कुछ खा कर या खुदकशी कर लूँ। नहीं नहीं नहीं, खुदा तो ने जिंदगी दी है, जीना हमने। अब ये सोच रहा हूँ कि अब जीने का दिल कर रहा है मेरे को, कि मैं जीऊँ, आगे कुछ करूँ, अपना भी कुछ करूँ। और अच्छा, आपको बहुत सारे कश्मीर से भाई बहन देख रहे होंगे, देखेंगे, है ना? तो मन में उनके बहुत तरीके के, बहुत सारे लोगों ने कभी पंजाब नहीं आए होते, पता नहीं होता कैसे लोग होंगे, कैसा कल्चर होगा, रहना सहना। हम एक्चुअली पता क्या है, जब हम अस्पताल में रहते हैं तो 2 दिन में हमारी हालत बुरी हो जाती है। जी, जी, ना खाने का, ना सोने का, ना पैसे का, हर चीज़ की टेंशन ही टेंशन। तो वो आपको देख रहे होंगे, उनके लिए कुछ बोलना चाहोगे? वो घबराए होंगे, जाएं ना जाएं, क्या करें? पहले मैं भी घबरा रहा था, जब दिलदार साहब ने मेरे को बोला मैं भी घबरा रहा था। मेरे साथ बीबी है, जो आपने अपनी वाइफ के साथ आना था, तो और एक औरत होने के नाते और मुश्किल हो जाता है। और मुश्किल, मुझे सब लोग बोलते थे कि आप उधर पंजाब में जा रहे हैं, ऐसा माहौल है, वैसा है, हॉस्पिटल है, ये है। तो जब मैं यहाँ पहुँचा तो 2 दिन मैंने देखा इधर उधर, तो तब से 40 दिन हो गए मुझे, कि जैसे मैं अपनी फैमिली में आ गया हूँ। मुझे अपने बच्चों का भी कोई फिक्र पीछे नहीं है कि मेरे पीछे बच्चे हैं दो घर में, या मैं बच्चों से दूर हूँ, मुझे कोई पता नहीं, जाने का दिल नहीं रहता। अब जो मेरे बहन और भाई जो भी कश्मीर के देख रहे हैं, तो अगर उनके मन में ये होगा कि उधर पता नहीं कैसा माहौल होगा, क्या होगा क्या नहीं, वो कुछ नहीं है, यहाँ अपनी फैमिली की तरह रहते हैं। और खुद भी सेवा करो, अपनी सेवा भी कराओ और दूसरों को भी करो, और ठीक भी होकर जाओ, 100% यहाँ बेड सोल ठीक होगी। और इसका इलाज आपके सामने बहुत सारे पेशेंट्स के, औरों के भी ठीक हो रहे हैं? हाँ, बहुत मेरे सामने बहुत बड़े बड़े बेड सोल थे, वो ठीक हो रहे हैं, कुछ ठीक होकर घर जा रहे हैं, कुछ अभी यहाँ ही हैं। देखो, ये लोगों का प्यार है और दुआएं हैं ना। हाँ, अगर हम ऊपर वाले पे यकीन करते हैं, हमें दुआओं पे यकीन करना चाहिए। हाँ, मैं जब मैं बीच निकला था घर से, हाँ, तो मैंने सोचा कि मेरा बेड सोल नहीं ठीक होगा, तो अब मैं बात मानता हूँ, मानकर चलता हूँ। अच्छा। जब मैं यहाँ पहुँचा तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वो उसने मेरी खुद नशीब, अल्लाह पाक ने मेरे को कुछ बिल्कुल भेजा, यहाँ भी आ गया। मैं तो, मेरी खुशकिस्मत था मैं कि यहाँ पहुँच गया, नहीं तो पता नहीं मैंने कब मर जाना था। तो अब मैं ठीक हूँ, अब मेरी
जितनी भी मेरी बहन, अगर कमरे में कोई सोच रहा है कि कमरे में बैठा है अंदर कि हमारा कोई नहीं, आप हमारा कोई रास्ता नहीं, नहीं उनका रास्ता है, वो बाहर निकलो, वो देखो। जब आप आए थे ना, आपके आने से हफ्ते पहले ही वो साहिबा बहन जी थी, वो ठीक हो गई। हाँ, वो जब उसका वीडियो मैंने देखा ना, तो उसने बोला कि जो कमरे में बैठा है वो बाहर निकलो, तब से मेरे दिल में कुछ हौसला आया, फिर बीबी को भी हौसला है। जब साइमा दीदी बोल रही थी कि इधर कुछ नहीं है, कोई टेंशन नहीं, जब मैं आई थी मैं भी घबरा थी, तब से मेरी बीबी ने भी बोला कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, हम जाएंगे। तो हमारे तो यहाँ फैमिली की तरह, यहाँ रितिका दीदी है, नितिका दीदी है, ये सब ऐसे जैसे अपने बहन भाइयों को देखती है ऐसे हमें देख रही है। और बड़े पीर है तो जो वो अपने फैमिली में उतना प्यार नहीं मिलेगा अपने माँ बाप से जितना बड़े पीर। खाना पीना कैसा है? खाना पीना तो बहुत ही सब अच्छा चल रहा है, अच्छे खाना पीने चल रहा है सब, इधर किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। अगर मैं गलत तो नहीं कह रहा, बहुत सारे चीज़ें तो हमारे घर पे नमक केवल ख़त्म हो जाता है, केवल तेल ख़त्म हो जाता है जी, है ना, पर यहाँ पर आपको कोई टेंशन नहीं है ना? नहीं, कोई टेंशन बेहतरीन है ना। आज रमज़ान चल रहा है, रमज़ान में मैं झूठ नहीं मारूँगा किसी चीज़ का टेंशन नहीं है, बस सिर्फ ज़ुबान से आवाज़ निकालना है तो सब चीज़ आपके सामने होगी। जी, बस आगे कोशिश आपकी है, कोशिश जो करेंगे तो सो। आपके वाइफ भी आ गए ना? जी। कैसे बहन जी? ठीक हो? क्या नाम आपका? सरीना। आपको 40-42 दिन हो गए आए हुए ना? 40 दिन हो गए। कोई परेशानी आ रही है आपको? नहीं। किसी भी तरीके की कुछ नहीं। कोई परेशानी नहीं। कोई भी नहीं? ओके, बहुत थैंक यू बहन जी आपका। मैं आप बहुत ज़्यादा सेवा में सहयोग करते हो, मैं देख रहा था, मैं सुबह आया हुआ था, बहुत बहुत थैंक यू आपका जो आप इतना ज़्यादा साथ देते हो। मुझे अच्छा नहीं लगता है ये आप बहने ही हो तो इसको चला। मेरी तो सिर्फ बाहर की सपोर्ट होती है, मैं तो सिर्फ शक्ल दिखा के हीरो सा बन जाता हूँ और मेरा कोई काम नहीं है। नहीं। ये आप लोग हो जो ये कर पाते हो। बहुत शुक्र है आपका, बहुत साथ है बहन जी सबका, बहुत साथ है, बहुत शुक्र आपका, है ना। तो जब कश्मीर जाओगे वापस तो हम लोगों को कैसे याद करोगे? इतनी अच्छी तरीके से हमारा ख्याल रखा तो आपको तो याद करेंगे, सबको याद करेंगे इंशाल्लाह। बहुत खाते पीते उठते बैठते बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं सबका जी। बहुत हमारा भी बहुत अच्छे से ख्याल रखा और हमें प्यार मिल रहा है जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू, थैंक यू भाई जी, इतनी इतने अच्छे शब्दों से नवाजने के लिए शायद लायक नहीं है। नहीं नहीं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा तो आप बोलते हैं ना धन्यवाद, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है क्योंकि मैं बोल रही हूँ कश्मीर की और बहनें देख रही होंगी, उनके मन में जैसे आप आए होंगे आपके मन में बहुत तरीके के विचार होंगे ना, एक औरत होने के नाते होता ही है कि हाँ एक अदर स्टेट में जा रहे हैं, पहली बार पंजाब आए थे आप, है ना, तो मन में बहुत सारे विचार होंगे कैसे लोग हैं, कैसे रहना खाना पीना होगा, हॉस्पिटल में हमारी हालत बुरी हो जाती है, हुआ था ना, पता नहीं कैसे लोग होंगे। हाँ होता ही है, होता ही है ना। तो यहाँ सब कुछ अपने घर जैसे लग रहा है। अच्छा। ऐसा सोच रही हूँ आपको बिल्कुल घर परिवार ही लगता है? बिल्कुल नहीं है, बस बच्चों का थोड़ा मतलब कभी कभी ख्याल आता है, फिर सोचती हूँ कि नहीं है। बच्चे कैसे हैं? ठीक है, चलो अच्छी बात है, खुश है बच्चे भी। फोन पे बात होती रहती है आपकी? बात होती है उनके साथ रहती है। जो कश्मीर की बहनें देख रही होंगी आप, उनको उनके मन में भी यही सब विचार होंगे, आपने साहिमा बहन जी का वीडियो देखा होगा ना, उन्होंने बताया, तो आप उनको बताना चाहोगे? तो और बहुत सारी बहनें होंगी इनको चोट लगी होगी, उनके उनकी मम्मी होंगी, उनकी बहनें होंगी साथ में आए, कैसा माहौल होगा? मैं तो ये बताना चाहूँगी कि अगर किसी को तकलीफ है मतलब घर में बैठे हैं, किसी को रास्ता नहीं मिल रहा है जी, तो उनको मैं यही बोलना चाहूँगी कि निकले घर से, ऐसा सोच के निकलेंगे नहीं, हमारा रास्ता हमें मिलने वाला जी, आए इधर और अपना इलाज भी करवाए, सेवा करें इन लोगों की जो इधर है, अपनी भी करवाएं अच्छे से, तो अपनी ज़िंदगी बनाएं। मैं आपको ये वीडियो भेज रहा हूँ, आप कश्मीर में सबको भेजोगे? हाँ सबको भेजना, ठीक है, ये ज़रूरी है। आपने भी कुछ किसी की ज़िंदगी बच जाए तो मेरे वीडियो देखने से जी, तो इसमें तो जी बिल्कुल बिल्कुल जी। और सब कश्मीरी भाइयों और बहनों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को, बहुत शुक्रिया।